बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर लास्ट क्वेश्चन आप अगर पढ़ोगे आपको लगा क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा ट्रिक छुपा हुआ है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इज टू 11.25 सेंटीमीटर इज टू 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ डायमेंशन। तो बहुत बार एग्जाम में क्या होता है नंबर ऑफ ब्रिक निकलना है, नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। बहुत फास्ट लिखते हैं, हैंडराइटिंग का कुछ प्रभाव ही नहीं होता एग्जाम में। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 8 into 6 into 22.5 divided by 25 into 11.25 into 6 जो भी आंसर आएगा गलत आएगा। अब सोचो क्यों, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सही है पर जो वैनिश कोट किया वो गलत ही है, उसको कैसे करें। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स वो कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। ठीक, यहां पे समस्या क्या है, यहां पे अगर ध्यान दो ये सब सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, बचे हुए 8 and 6 दीज आर नॉट इन सेंटीमीटर, दीज आर इन मीटर, इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ही आंसर निकलेगा। तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, 1 मीटर यानी होता है कितना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये एक चीज अच्छे से याद रखो आप, तो इसके मदद से हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ही आंसर आएगा सही, वरना आपके छोटे से मिस्टेक के कारण आने वाला क्वेश्चन हाथ से छूट जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर आप एक गेट प्रिपेयर करने के हिसाब से अगर इस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा यूनिट्स को ठीक से ऑब्जर्व करो, क्योंकि गेट के एग्जाम में हमेशा यूनिट घुमा के दिए जाते हैं। ठीक, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, 800 × 600 × 22.5 न्यूमरेटर में सारे के सारे सेंटीमीटर्स में, डिनोमिनेटर 25 × 11.25 × 6। अब 11.25 × 22.5 कितना आता है, 2 जा 6 वन जा 600 जा 25 वन जा 25 4 जा 100, तो 800 × 4 × 2 सिंपल 800 × 4 = 8 8 8 = 64। ये दो जीरो जैसे के वैसे, तो मतलब ये वॉल बनाने के लिए 6400 ब्रिक्स की जरूरत है। फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है पर एक इस चीज एक चीज ध्यान कर रखिए, इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं जैसा कि हमने देखे। अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए शुरुआत में जो हमने लेक्चर में दिया था सारे फॉर्मूले आप एक बार नोट डाउन कर लो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो।